अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके आने वाले समय में भी आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगी। दोस्तों आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर आप सीएससी पर इतने समय से काम कर रहे हो तो आप कितना कमीशन कमा रहे हैं या आपको कितना कमीशन मिल रहा है, आपको इस चीज़ का क्लियर नहीं होता। काफ़ी सारे वीएलई भाइयों के मुझे मैसेजेस आए हैं जो कि बस ये जानना चाह रहे हैं कि हमने काम तो किया एससीएससी पर लेकिन हमें ये आइडिया नहीं रख पा रहा कि हमने एक्चुअल कितना कमीशन सीएससी से कमाया है, तो वो हमें जानना है। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ बात करेंगे, वही डिस्कशन करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमने किसी भी प्रोडक्ट पर काम करके कितना कमीशन कमाया है और साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ जिससे आप सीएससी में काम करके बहुत ही अच्छा कमीशन कमा सकते हो और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इन्फोवेटिव वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको सीएससी को लॉगिन कर लेना है, जैसे कि आप रेगुलर करते ही होंगे। ये आपका होम पेज आ गया सीएससी का, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों आपको इधर आने के बाद मैं आपको थोड़ा अपने रिसेंट ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन ये है, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, यानी कि एक बिल जमा किया था हमने 9 तारीख को यानी कि कल। तो ये बिल हमारा कितने रुपए का था, 1287.09 रुपए का हमारा बिल था। इस बिल को हमने सीएससी से जमा करने के बाद कितना कमीशन प्राप्त किया है। दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में इधर ऑर्डर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसके नीचे ही आपको ऑर्डर हिस्ट्री का बटन देखने को मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने सारे आपके ऑर्डर हिस्ट्री आ जाएंगी जो भी आपने अब तक काम किया है। आप इसको डेट वाइज भी निकाल सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा 9 जून का ट्रांजेक्शन है 1292 रुपये का। अब हमें ये देखना है कि हमें सीएससी ने इस पर कितना कमीशन दिया है, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है डिटेल्स बटन पर। दोस्तों जैसे आप डिटेल्स बटन पर क्लिक करेंगे सारी समरी आपके सामने आ जाएगी। ये आपको पूरी सर्विस मर्चेंट कैटेगरी कस्टमर इन्फॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन अमाउंट ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1292 रुपये का हमारा अमाउंट था जिसमें कि हमने पे किए हैं 1287 रुपये, लगभग 5 रुपये के आसपास हमने इसमें कमीशन प्राप्त किया है। तो नीचे ही आपको एक अलग सेक्शन दे दिया गया है अर्निंग का, तो आप देख सकते हैं एकदम क्लियर सेक्शन बनाया है इन्होंने अर्निंग का। तो इसमें आप देख सकते हैं कमीशन जो इन्होंने दिया है 5.17 रुपये का और उसके बाद नीचे टैक्सेस देख सकते हैं, कोई टैक्सेस नहीं है और TDS कट गया अपना 0.26। तो दोस्तों अब मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, पहले सीएससी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा कमीशन दे देती थी, यानी कि आपको 300 रुपये तक का बिल जमा करने पर भी 15 रुपये तक का कमीशन देती थी और अब इन्होंने कमीशन घटाकर कितना ज़्यादा कम कर दिया है ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो चलिए ये तो मैंने आपको चेक करना बता दिया है किस तरीके से आप अपना कमीशन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।